और हम हंस हंस के पागल हो जा रहे। और एक बार मैं इनके यहाँ गई तो मैंने पूछी कि माँ कभी तुम हनीमून पे गई? माँ कह रहे तेरे सदके जाऊं मैं तो कभी ना गई, बच्ची तू जावे तो मेरा भी 51 रुपये प्रसाद वोट दी जा। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुर्जर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो यही उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और पीछे किचन में भी लेके चलेंगे। क्या बनाएंगे? ज़्यादा सूट नहीं करूँगी किचन का। और कंप्लेंट आई है, कई एक कंप्लेंट थी मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी, वो भी मैंने मान ली है। तवा भी तो मेरे पास है नहीं, ऊपर चूल्हे पर रखा हुआ है। सुबह रोटी चूल्हे पर बनाई थी, शाम को भी चूल्हे पर बनाई थी। और तवा में अच्छी तरह से साफ करने की भी आई है, वो अच्छी तरह से रगड़ भी लिया है। और मैं यहाँ पे गर्म पानी करके नीचे जब लेके आऊँगी तब तो आज सोच रही हूँ नीचे रोटी बनाने की। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, वो परसों के थे दोनों ब्लॉग। तो मैं बता देती हूँ किस किस दिन का, वो वीरवार के थे दोनों, क्यों कल व्रत था तो कल मन ही नहीं किया कुछ भी करने का। और अब व्रत में पता नहीं क्या, कल व्रत था तो आज चक्कर आ रहे थे, पता नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ और अब होने लगा है। तो नवरात्रों में भी नहीं हुआ, लेकिन इस व्रत में कुछ खाते भी नहीं है, छाए वगैरह कुछ भी नहीं लेते, मुझे छाए का ज़्यादा है और चीज़ तो सब चल जाती है। तो फिर आप सबके साथ आज क्या शेयर करना, और इसी तरह प्लीज़ प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और वो भी शेयर करेंगे पहले छोटी सी क्लिप। और करेले मैंने थोड़े से आज भाप लगा लिए, नहीं तो मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा नमक लगा के छोड़ देती थी, आज उबाल के बनाने, ऐसे भी बना लेती हूँ। कैसे भी करेले मैं किस तरह से बनाती हूँ, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं करेले बनाने के। भरवा करेले मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है, ये कहते हैं कि मतलब बहुत गंदा वाला वर्ड बोलते हैं कि ऐसे लगते हैं चूहे हों, अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए नहीं बनाती और कट करके ही बनाती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में इसी तरह मेरे साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो तेल हो चुका है मेरा गरम और मैंने कैमरा सेट तभी किया है जब हो गया है। और ये मैंने बिल्कुल हल्की सी भाप लगाई थी, थोड़े गरम कर लिए नमक डाल के, और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते फिर। और वैसे भी कई बार मैं पानी में भी भिगो के रख देती हूँ और नमक लगा के भी छोड़ देती हूँ करेलों में, फिर भी नहीं लगते। जैसे मन करे वैसे बना सकते हो आप, और सबका तरीका अलग अलग होता है वीडियो मतलब सॉरी वीडियो बनाने का भी सबका ही अलग होता है और करेले बनाने का भी। और निकाल के ले आती हूँ प्याज। सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, इसमें प्याज डाल लूंगी। और सॉरी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं चलाऊंगी एडजस्ट फैन। तो ये बनाने लगी थी मैं यहाँ पे, मैंने सौंफ डाल दी थी, आप सबको नहीं बताया था शायद, सौंफ डाली थी। और तड़का लगा लूँगी, मैंने लहसुन नहीं डाला, गर्मी लग रही, गर्मी हो रखी है सॉरी। और पता नहीं आज कैसे कॉपीराइट आ गया था वीडियो में और दोबारा से मुझे वॉइस ओवर, सिर्फ इस क्लिप पे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। मैंने म्यूजिक लगा दिया था और म्यूजिक भी ऐसा नहीं था कि कॉपीराइट आ जाए। जब तक हमारे करेले मतलब प्याज ब्राउन होती है तब तक मैं काट लूँगी कच्चा आम और आटा वाटा लगा लूँगी। तो मिलते हैं आप सभी से फिर थोड़ी देर में, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी। और गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि पंखा भी नहीं चल रहा। कल मैंने इसलिए चूल्हे पर रोटी बनाई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर हवा भी लगती है। आज भी देखती हूँ चूल्हे पर बनाऊँगी, लेकिन अंधेरा हो जाता है। रात में मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं किया, काफ़ी अंधेरा हो चुका था और मार्केट भी जाना है। देखती हूँ या तो यहाँ बनाऊँगी या ऊपर बनाऊँगी। तो अगर शूट कर सकी तो शूट करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं मतलब मैं भी अजीब सी आऊँगी क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। मिलते हैं आप सभी से फिर थोड़ी देर में। अभी प्याज तो बन रही है, मेरे याद आ गया कपड़े उतार के लाने हैं ऊपर से और भूल गई थी मैं बिल्कुल ही। लेके चलते हैं आप सभी को छत पे और इसके बीच जो होगा। और कपड़े जैसे ही मैं आई हूँ कपड़े लेने, बेटी तो बेटी हूँ मैं सच में। ये देखिए हिमांशी ने ये कपड़े उतार लिए, कैसे कैसे उतारे और झाड़ू लगाई छत पे। मैंने इससे बोला था कि ऊपर जा रही है तो झाड़ू भी लगा लेना। और
चूल्हा नहीं पोता। ये देखिए सुबह भी रोटी मैंने चूल्हे पे ही बनाई थी और अब भी चूल्हे पे बनाऊंगी। ऊपर अच्छा भी लगता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जितना भी आपसे हिगड़ी हो जो भी सूट होगा, आपकी दिनचर्या आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। सॉरी कुंडी लगाना भूल गई। जब मैं छत पर वीडियो बनाती हूँ ना, अच्छी मतलब लाइट की वजह से क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है, सभी बोलते हैं, और नीचे अंधेरा है, लाइट है मतलब उसकी वजह से लाइट है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगा रखी। रेस वगैरह का भी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बना लेते हैं जब तक। ये देखिए हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी हैं और मैंने एग्जॉस्ट फैन भी बंद कर दिया है, तो इसमें डाल देंगे। और कई बार है ना, मैं कई चीज़ें बाद में याद आती, हाँ ऐसे बनाई थी मैंने सब्जी, वीडियो बनाने के चक्कर में ना भूल जाती हूँ, तो ध्यान से बनाऊँगी और ज़्यादा मसाला वसाला कुछ नहीं डालूँगी, बस वही जैसे कि आप मेरी सब्जी देखते हो इसमें मैं डाल देती हूँ। सॉरी तेज तेज बोलूंगी नहीं तो आवाज नहीं आएगी आप सभी को। इसमें डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर इसमें ज्यादा ही थोड़ा एक्स्ट्रा ही अच्छा लगेगा। और ये डाल दूंगी हल्दी और नमक, सॉरी मिर्च, मिर्च हमारे तीखा ही खाते हैं थोड़ा, और नमक डाल दूंगी। वॉइस नहीं आएगी तो वॉइस ओवर कर लूंगी, चेक कर लूंगी। और अभी हम इसे छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है जी। कलर देखिए कलर कितना अच्छा आ गया, अभी लाइट की प्रॉब्लम है। ये देखिए थोड़ी सी हींग डाल दूंगी, थोड़ी सी हींग डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, वीडियो मैं हर तरह की उस तरह की बनाऊं जिस तरह की आपको पसंद आ रही है, अगर आप सब मुझे कमेंट करके बताओगे। जैसे कि कुछ ऐसे बोले हैं कि जो चीज़ नहीं मतलब नहीं कर सकते हैं कि भाई बस वो तो उनकी, तो लेकिन आप ऐसे इस तरह बताओगे किस तरह से, जैसे ही मैं बता देती हूँ आप भी कुछ सोचोगे, पता नहीं मैं आपके लिए गलत बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कुछ की मैक्सिमम बनाओगे तो पता नहीं किस तरह के बंदे हैं वो अलग हैं। आप बताओ वीडियो कहीं बाहर की बनाऊं या कैसी बनाऊं, इस तरह के कमेंट करके बताना आप मुझे। और ये देखिए अभी मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, फ्राई होने देती हूँ, फिर इसमें डालेंगे कच्चा आम, ठीक है जी। वीडियो हो जाएगी नहीं तो बड़ी। ये बन चुके हैं हमारे करेले, थोड़ा सा ऑयल इनमें होता ही है, अच्छी तरह से बन चुके हैं और चलाया नहीं जा रहा, मैंने इसमें छोड़ दिया था, ये गर्म हो गया। और ये देखिए, और अब डाल देती हूँ मैं इसमें कच्चा आम, और फिर जाऊँगी मार्केट, जीसू के लिए कुछ लाना है। और फिर मिलते हैं आप सभी से, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी जो दिन में सूट किया था, पिंकी आई थी पिंकी के वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो, आप सभी ज़रूर देखना, मिलना मिस्टी से भी और पिंकी से भी। आम डाल ले, तो ले आई हूँ, ये मैंने कच्चे आम काट लिए थे, ओके हो गए कितने सारे, मुझे खट्टी पसंद है और इन्हें मजबूरी भी खानी पड़ती है खट्टी। देखिए और मैं मतलब जब सब्जी चलाती हूँ ना, मुझे कैमरे में देख के चलानी पड़ती है, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ मैं, बार बार स्टैंड पर क्या लगाऊँ, फ़ोन आ गया था हटानी पड़ गई, तो वो माइंड मत करना, क्योंकि मैं सब्जी चला रही हूँ इसे देख के। ये देखिए ये करेले हैं, ये जले नहीं हैं, कैमरे में काले काले आ रहे हैं, वैसे देख रही हूँ तो कहीं से नहीं जले वो। ये देखिए, तो कुछ देर के लिए फिर ढक के रख दे देंगे। और कहाँ ये तू, ये बता दें कहाँ ये मिस्टी, कौन हूँ मैं?
कौन हूँ बेटा मैं? मैं कौन हूँ? यू लेके आवे है, ये तो पिंकी आवे बिनो हमारे घर। यू ही कहे कि चलो मासी के, चलो मासी के, है ना मिष्टी? तुमने ही कहा था ना मासी के घर चलो, है ना? कैसे बोला था? मासी चलो मासी, मम्मा मना कर रहे हैं ना? हाँ कोई बात है, यू यूरी मम्मा भी हेलो बोल दे। हेलो, लाइट भी तो न जलाते ना हम, या हमारे भी ऐसे वीडियो भाई, हमारी छोरी सारी मलूक ना, आज तो ठीक आ रही है, उस दिन काले आ रहे हैं तो ठीक है। और भाई दीसू पर कपड़े नो बेचारे पे देख लो, मैं भाई मेरी भाई दिखा रही हूँ, फिर तेरे पर कपड़े नहीं है ना इसलिए दिखा रही हूँ। टमाटर मत काट दे, कहाँ कितने सारे वो टंगे हुए हैं। मिष्टी तू भी खा ले, खाएगी? अब मैं पथरी हो जाएगी। टमाटर टमाटर खाएगी? नहीं नहीं खाएगी। क्या खाएगी तू बता? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाएगी? नहीं बेटा जुकाम हो जाएगा, इधर आ मेरे पास। और इस टाइम आइसक्रीम भी नहीं मिलती। तूने तो मेरे से हाय हेलो भी नहीं की भाई। और उस दिन खुद ही खुद बर्गर खा गए हमें कहीं भी ना। ए मिष्टी बर्गर खाया था तुमने? हाँ। खुद आई थी बर्गर खाने? हाँ। खुद? हाँ। खुद आ गई थी बर्गर खाने? हाँ। खुद? हाँ। अकेली? हाँ। अकेली आ गई थी बर्गर खाने? हाँ। अकेली? हाँ। भाई हमारी मिष्टी अकेली इतनी बड़ी हो गई है। कौन आया था आपके साथ बर्गर खाने? मम्मी पापा। अच्छा मम्मी पापा के साथ आई? हाँ। तेरे मम्मी पापा बहुत घूमे हैं ना, ध्यान रखा कर है इनको। मम्मी पापा बहुत घूमन लगे। कहाँ गई मिष्टी बता दो। मैं पापा के पास गई। पापा के पास गई? काम पे गई थी। जहाँ बच्चों ने जमाता की करना। जय माता की। कल गए थे ये संतोषी माँ के मंदिर। और मुझे भी जाना है, पर भाई जाना जब भी हो जब माँ बुलावे। हाँ ये सब ये बात तो सच है। ए मिष्टी अच्छा लगा ना, पहली बार गई ना मिष्टी तो? हम भी जाएंगे किसी दिन संतोषी माँ के मंदिर, तो आप सभी को दिखाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, आप सभी से समोसे मुझे। अगर आप सबको भी खाने हैं तो आ जाओ। समोसे तो बहुत दिन बाद जब कोई ऐसा आता है चीज खावे तो कौन आया। ये आ गई कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी, तो समोसे खा रहे हैं आज। दे रहे हैं पार्टी चिंकी है, काय पार्टी दे रहे हैं आज हम घर आने की। काय पार्टी दे रहे हैं घर आने की। घर आने की? हाँ। तू कोई वैसी पार्टी समझ ली जा, या ठीक है बड़ी सी समझ ली जा, वैसे ही कोई और प्रोग्राम आ रहा हो ना वो समझ ली जा, ठीक है? क्यों हम बहुत कमीने हैं, हम देंगे ना तो जब पार्टी। अच्छी ठीक है, मैं वही समझ। जब हम कभी पार्टी करते ही ना आज तक भी ना। पिल्लू मैंने लगा फ्रिज में रख दी लगा इलाके। हाँ फ्रिज में मैंने कही। भाई किस किस को हरी चटनी खानी है या लाल भी है ना? हाँ लाल भी है, ये तो खाएगी लाल। इन्हें लाल ही अब मुझे लाल बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मिक्स भी अच्छी लगा है, मतलब हरी और लाल मिक्स करके। हाँ हमारे लोग खाते हैं लाल, और देख लाल ही लाल दी है, लाल ही लाल है। मिस्टी को भी यही पसंद है। आपको मुझे लाल पसंद और ना मैं खाऊं, मैं खा लूंगी। बताओ भाई किस किसी को खानी है तो आ जाओ जल्दी जल्दी, वीडियो जाएगी हिमांशी बड़ी तो इसलिए। गंदे लगे हैं, मुझे बहुत बुरा लगे जो व्लॉग में चिकन पिकन बनावे। ए हिमांशी मन खराब हो जावे। बेटा हेलो बोल, हेलो बोल मिस्टू। व्लॉग देखता है तू मेरा? है आज क्या डाला था मैंने? भाई कुर्सी पे पेंट करना पड़ेगा, देख कितनी गंदी होगी ये, कहाँ होगा इनके, बहुत पुरानी होगी ठीक है। ब्राउन मिष्टी, मिष्टी ओ मिष्टी बाबू क्या देख रहे हो तुम
क्या देख रहे हो? ये किसी की शादी देख रही है, किसी की शादी देख रही है, तो किसी की, किसी रणवीर कपूर की है क्या? टीवी ब्लैक कैसे कर, पिंक कलर का कैसे कर दिया? अभी हम बातें कर रहे थे जस की बहुत बुरा हुआ उस बच्चे के साथ और पिंकी को पता नहीं है ना पिंकी, मैं पूरे दिन और इतने तू सैड होगी ना तू भी आज सुन के, मैं भी कई दिन नींद नहीं आई मुझे भी। कैसी हिम्मत हो जाए कैसी ही किसी के बच्चे को, क्या यार कितनी गंदी औरत रही होगी वो हैं, सोच कर देख टेंशन में आ गई है पिंकी जब से बेचारी चुप लेट गई कतई, फोन भी मैंने जब भी उठाया जब तू चुप लेट गई एकदम, अब क्या कर सके सर ज़्यादा टेंशन कह रही मतलब है। और ये भी मना कर रहे हैं ईश्वर भी की ज़्यादा न्यूज मत देखो ऐसे, तुम भी टेंशन में टेंशन टेंशन में, और फिर भी मैं न्यूज मुझे एकदम की भाई कुछ क्या हुआ उनका, उन्हें सजा मिली ना मिली वैसे ना भेजती मैंने कोई, मैं भेजती ना यार, सब ही अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो, और ऐसा भी नहीं है कि सब एक से हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में भी बताओ मैं खुद डिप्रेशन से मारी ज़्यादा डिप्रेशन में भी ना आवे, ऐसे सब एक से नो होते है भाई एमएसटी, सब एक से हो मैं कोई नहीं होते ना देख होते देख मैं सुंदर हूँ है नहीं, ओ माय गॉड कह दे झूठे कह दे मैं सुंदर हूँ झूठे कह दे झूठे को, और देख देख हिमांशु सुंदर है ना है, दीसु भाई सुंदर है ना, तेरी मम्मी सुंदर है ना, मम्मी 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 कितनी चालू है मेरे पे, मम्मी सुंदर है ऐसा तो ने आप पे बच के रहना चाहिए, मम्मी तो बच के रही है, मम्मी ज्यादा सीआईडी देखकर वो औरत भी सीआईडी देखकर ग्रीन देख देखा मैं ऐसी हूं ऐ हिमांशी है मिस्टी का कह रही मिस्टी यू कह रही है मेरी मम्मी सुंदर है, दीसु भी नहीं है हम ऐ मिस्टी तू तो बहुत तेज है रे, मैं सुंदर क्यों हूं मैं तो ऐ तू तो बहुत सुंदर बहुत तेज है लड़की, और तू भी सुंदर है मिस्टी तू भी सुंदर है क्या हैं हां, अरे तू तो कर लो ऐ मासी इसका यू ले ले मिस्टी तो कर लो ऐ मिस्टी काली है काली, जब पूजा कह रही हिमांशी तो काली तो कैसे कह रही हिमांशी तू काली यू काली यू काली मैं ना हूँ काली, ए कल्लो तू काली ऐसे बोले अच्छा तू काली तू काला नमो सुनो कह रही ए मिस्टी तू काली है ना, तू कह रही हूँ हाँ मम्मी सुंदर है, सब सब गंदे यू भी देखिए यू भी सुंदर नहीं है भाई बता दिया लड़के का मुझे आज मिस्टी ने, मैं तो इसे सुंदर समझ रही देखिए इसलिए लड़के ने मुंह छुपा लिया, उसने बाल भी बड़ी मुश्किल से कटवाए हैं, हेलो बोल दे बाय बोल दे बहुत बड़ी वीडियो होगी, हेलो बाय अब देखो हम यही को फेस लेंगे और किस को ले में, हम अपना तो फेस ले नो सके, हम तो देखो ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं सिर पे चुन्नी भी नो मेरे पे, यही को फेस लेंगे अभी एक दादी मतलब कहा पहले बात कहा कर रहे हैं हमारी दादी पहले बुआ से बात शुरू हुई, एक बुआ ही हमारी एक हमारी बुआ है भगवान ऐसे क्यों कह रही हो उनका नाम है बलवीरी, वे हैं पीरागढ़ी में ब्याही हैं दिल्ली में ही, तो वो जब वहाँ जा कर रही तो वो यूँ कहने लगी एक दिन रास्ते में कि करोड़े करोड़े कहाँ कह रहे हैं तू सही बता करोड़े परोड़े हाँ जो भी कि हम भी करोड़े खाएंगे, फिर फूफा ने बताई कि करोड़ा नॉन वेज हो तो वहाँ से बात चलते चलते क्या हुई फिर दादी कैसे कह रही दादी तू बता हमारी दादी माँ हाँ अब नहीं है इस दुनिया में, तो मैंने बहुत अच्छा लगता अगर होती तो हम आप सबसे बहुत मैंने बहुत कॉमेडियन ही बहुत मजे दिला रहे, मतलब उन्हें पता भी नहीं था कि हम वो कॉमेडी कर रही हैं पर हम हंस हंस के पागल हो जा रहे, और एक बार मैं इनके यहाँ गई
तो मैंने पूछी कि माँ कभी तुम हनीमून पे गई? तो माँ कह रहे तेरे सदके जाऊँ मैं तो कभी ना गई, बच्ची तू जावे तो मेरा भी 51 रुपये प्रसाद वोट दी जा। बस बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ऐसी कहानी हम आपको बता दिया करेंगे, है ना, बीच बीच में बता करेंगे। ऐसी बहुत कहानी हमारी गांव की बहुत ज़्यादा है, यहाँ वो तो दिल्ली में आके फंस गए, नहीं तो गांव में तो एक ना एक कहानी हमें। तो आप सब कमेंट करके बताना, एक एक पोल खोलेंगे आप सबके सामने। और ऐसे होते हैं बुजुर्ग, बुजुर्गों की नहीं, ऐसे कई कॉमेडियन थे हमारे परिवार में।